विनीता भवनाथ प्लीज स्टार्ट जी सर। मैम ये जो भी होस्ट है ये बच्चों को म्यूट करो सब। मानवेंद्र सबको म्यूट कर दो, सर को छोड़ के मतलब दो तीन लोगों को छोड़ के बाकी को म्यूट कर दो, वो होस्ट को छोड़ के बाकी को म्यूट कर दो। भवनाथ जी सर। सर स्टार्ट करो भवनाथ। ओके मैम। यस मैम नाउ यू कैन स्टार्ट। ओके ओके थैंक यू मानवेंद्र। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और आज के इस ऑनलाइन संगोष्ठी के वक्ता प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र, माननीय प्रधानाचार्य महोदय, डियर कलीग्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के गांधी स्टडी सर्कल की ओर से आज के इस ऑनलाइन वेबिनार में जिसका विषय है गांधी का मानव बोध में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गांधी स्टडी सर्कल इस महाविद्यालय के सबसे एक्टिव सोसाइटीज में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य गांधी जी के विचार, चिंतन, मूल्यों और संदेशों को छात्र छात्राओं और शिक्षक समुदाय तक पहुंचाना और उनको आत्मसात करने के लिए अभिप्रेरित करना है। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधी अध्ययन केंद्र संगोष्ठी, वार्ता, मूवी स्क्रीनिंग, क्विज कंपटीशन, पीस मार्च, एसे राइटिंग कंपटीशन, वाद विवाद प्रतियोगिता, योग और प्रशिक्षण इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है और अपनी इसी कर्मठता और सक्रियता की बदौलत गांधी स्टडी सर्कल ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना एक विशिष्ट स्थान हासिल किया है। इसके लिए हमें विगत वर्ष गांधी जी की 150वीं जयंती के विशेष उपलक्ष्य में दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय के द्वारा विशेष स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। गांधी स्टडी सर्कल अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित है और आज का यह ऑनलाइन संगोष्ठी गांधी का मानव बोध इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। अब मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं लेते हुए सर्वप्रथम आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑनरेबल प्रिंसिपल सर टू से फ्यू वर्ड्स ऑन दिस ओकेजन एंड वेलकम आवर गेस्ट प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा। थैंक यू। धन्यवाद भवनाथ जी। आदरणीय प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी आज के इस वेबिनार के हमारे विशिष्ट वक्ता और मुख्य अतिथि, वेबिनार कमेटी की संयोजिका डॉक्टर विनीता तुली, गांधी स्टडी सर्किल के संयोजक डॉक्टर भवनाथ झा, सभी सहयोगी मित्रों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की ओर से, हम सबकी ओर से, मैं आदरणीय प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़ने में सहजता भी है लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं, तो इसलिए पुष्प गुच्छ से नहीं शब्द गुच्छ से उनका स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सर एक बड़े ही सहज और सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं और जब भी किसी अवसर पर किसी व्याख्यान के लिए, इस कॉलेज की उत्कृष्टता के लिए जो भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं उसमें जब भी उनको आमंत्रित करते हैं या याद करते हैं बहुत ही सहजता से हमारा आमंत्रण स्वीकार करते हैं। इसके लिए मैं उनको उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज आज जहाँ भी है, मैं ऐसा मानता हूँ और यह सच है कि जब प्रोफेसर मिश्र हमारे कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन थे उस समय से बदलाव की एक बयार चली, शुरुआत हुई जिसने
कॉलेज को आमूल चूल बदल दिया और आज हम जहां खड़े हैं उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं उसके लिए भी सर का आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को है और गांधी जी के 150वें जन्म दिवस वर्ष को मनाने की कड़ी में यह व्याख्यान आयोजित किया गया है, जैसा कि कन्वीनर डॉक्टर भवनाथ झा ने बताया है। वो बताना भूल गए कि पिछले वर्ष हम लोगों ने गांधी पर 2 दिवसीय एक राष्ट्रीय सम्मेलन का भी का आयोजन किया था, जिसमें भी गांधी स्टडी सर्कल भागीदार था और देश के विभिन्न भागों से विभिन्न विद्वान उसमें सम्मिलित हुए थे। सर को भी उसमें एक व्याख्यान के लिए आना था और किंचित कुछ कारणों से वो उपस्थित नहीं हो पाए, शायद वो बाहर थे और समय पे आ नहीं पाए, तो यह एक कमी उस समय की रह गई थी और मैं समझता हूँ कि आज के उनके व्याख्यान से उस दिन की वो कमी भी पूरी हो जाएगी। हम सभी लोग जानते हैं और अखबारों में, समाचार पत्रों में सर की टिप्पणियों और उनके विचारों से को जानते और समझते और पढ़ते रहे हैं। गांधी को देखने का जो उनका नजरिया है वो बिल्कुल अलग है और वो एक नए परिप्रेक्ष्य में नई समझ के साथ गांधी को व्याख्यायित करते हैं, समाज से, मानवता से और देश से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या मनुष्य के मनोविज्ञान के स्तर पे उसको वो जोड़ते हैं और वो अपने व्याख्यान में इसको रखेंगे। मैं तो इतना ही मानता हूँ कि यह राष्ट्र ही नहीं, भारत राष्ट्र ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व आज गांधी के की विचारधारा के प्रति या गांधी के दर्शन के प्रति उसको कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, क्योंकि गांधी ने जो असभ्य और बर्बर तरीके थे उससे लड़ने के लिए जो हम लोगों को सत्य का मार्ग दिया, वह समूचे विश्व के लिए एक ऐसा हथियार है या एक ऐसा टूल है जो अब भी उसका इस्तेमाल होता है। गांधी ने अपने जीवन में बहुत सारे प्रयोग किए हैं और वो राजनैतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, वैयक्तिक स्तर पे, और उनके भीतर जो मानवीय संवेदना इतनी कूट कूट कर भरी हुई थी कि सर्व सामर्थ्यवान और सारी उनके पास सारे संसाधन होते हुए भी उन्होंने किसानों, मजदूरों और गरीब की पीड़ा को समझ करके जब अपनी एक धोती से काम चलाने का और पहनने का निर्णय लिया था, तो कहीं ना कहीं और बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, उनका जो मानव बोध है वो उसमें जुड़ता है। या जो समाज के बिल्कुल निचले तबके के लोग जो कि जिसको समाज में अछूत कहा जाता था, तो उस वर्ग के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो ये निश्चित रूप से उनके मानव बोध या उनका जो ये इसका परिचायक है। तो मैं विषय पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सर बात करेंगे उस पर। तो गांधी भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं रही हैं उसके भी संवाहक रहे हैं और गांधी ने अपने विचार और दर्शन से हमको और संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है। गांधी को उनके 150वें जन्म दिवस वर्ष के अवसर पर और अगला जो उनकी जन्म तिथि 2 अक्टूबर को आ रही है 151वीं, उसके पूर्व हम सब लोग उनको नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। मैं पुनः सर का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबों का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. On behalf of Internal Quality Assurance Cell of Atmaram Sanatan Dharma College, I warmly welcome Professor Girishwar Mishra. Sir, we are really honored to have you with us and privileged that you took out time for us to be on this webinar. And it's always a pleasure to hear you speak. Professor Girishwar Mishra is a former Vice Chancellor of Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalay, Wardha, Maharashtra, a central university established by the Parliament of India. Earlier,
He has served as the professor of psychology at the University of Delhi for 2 decades. He had also taught at the universities of Bhopal, Allahabad, and Gorakhpur. He has received the UGC Career Award, Fulbright Senior Fellow at the University of Michigan, Ann Arbor and Swarthmore College, Philadelphia, Visiting Professor at the Ruhr University, Germany, ESRC Fellow at Sussex University, UK, Fulbright Nehru Scholarship and Lecturer at the New School of Social Research, New York. Professor Mishra has publications in national and international journals of repute, including American Psychologist, International Journal of Psychology and Developing Societies, and International Journal of Behavioral Development. He is the chief editor of the 5th and the 6th ICSSR surveys in psychology. His major publications include Psychological Consequences of Prolonged Deprivation, Deprivation, Its Social Roots and Psychological Consequences, Applied Social Psychology in India, Perspectives on Endogenous Psychology, New Directions in Indian Psychology, and many more. The 5 volumes of the 6th ICSSR survey in psychology is under publication. Professor Mishra has served as the president of National Academy of Psychology, India, chief editor of Psychological Studies, Springer, for 16 years, editorial fellow project on history of Indian science, culture, and philosophy, national fellow of the Indian Council of Social Science Research, recipient of many awards, and some of them are Jawaharlal Nehru National Award by the Government of Madhya Pradesh, Dr. Hari Singh Gaur Award for Research in Social Sciences by the MP Council of Science and Technology, Madhya Pradesh, Govind Ballabh Pant Award by Ministry of Home Affairs, Government of India, Radhakrishnan Award by the Higher Education Commission, Madhya Pradesh, Fellowship of National Academy of Psychology, India. I welcome you again, sir, and invite you to speak on the topic Gandhi Ka Manav Bodh. दिल्ली विश्वविद्यालय के आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित आज की इस वेबिनार में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर झा कई तरह से इस महाविद्यालय को शैक्षिक दृष्टि से आगे ले जाने के लिए सतत कार्यबद्ध हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। मैं यह अनुभव करके प्रसन्नता का, हर्ष का अनुभव करता हूँ। डॉक्टर तुली और सारे मित्रों जो कि इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, हम सब लोग आज 150वीं जयंती को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मैं बापू के साथ बा को भी याद करूंगा, दोनों की ये 150वीं जयंती है। मैं उन दोनों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। आज चर्चा के लिए जिस विषय का निर्धारण किया गया है वह पूरे मानवता से जुड़ा हुआ है कि महात्मा गांधी का मानव बोध किस प्रकार का था। मित्रों, महात्मा गांधी एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं जो सपने देखने वाले और उस सपने को व्यवहार में उतारने वाले ऐसी शख्सियत के रूप में
ऐसे उदाहरण के रूप में सामने आते हैं जिनके आगे कोई और ठहरता नहीं। यह भी अपने आप में एक विलक्षण बात है कि महात्मा गांधी ने यह सारा का सारा काम स्वयं अपनी खोज, अपने आप को निरंतर माजते हुए, बदलते हुए और अपना रास्ता बनाते हुए पूरा किया। एक आदमी इतना कुछ कर सकता है यह कल्पना में आसानी से नहीं आ पाता। और अक्सर लोग प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन के विचार का उल्लेख करते हैं जिन्होंने गांधी जी के बारे में कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही कभी इस तरह के आदमी को लेकर के कि ऐसा सचमुच में कोई हुआ होगा विश्वास करना उनके लिए मुश्किल होगा जिसने इतना कुछ कर दिखाया। महात्मा गांधी जिस परिवेश में पले बढ़े वो एक साधारण किस्म का परिवेश था लेकिन कई दृष्टियों से बड़ा महत्वपूर्ण परिवेश था। उनकी माँ एक ब्राह्मी संप्रदाय की विचारधारा में विश्वास करती थी जिसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों तरह की विचार पद्धतियों को स्वीकार किया। उनके परिवार में तमाम व्रत उपवास सब कुछ सामान्य रूप से घटित होता था और उसके प्रति सामान्य बच्चे की तरह से महात्मा गांधी अपने शैशव काल में एक साधारण बच्चे की तरह से जीवन जी रहे थे। बड़े छोटी आयु में ही उनका विवाह भी हो गया था, दोनों की एक ही उम्र थी 12-13 वर्ष की। लेकिन उसके बाद के जीवन में जो परिवर्तन आया पिता की मृत्यु के बाद और फिर जब वह विदेश इंग्लैंड में पहुंचते हैं तो वहां पर भारत को और पश्चिम को दोनों को समझने की उनको एक चुनौती मिलती है और वह संस्कृत के संपर्क के बीच अपनी राह तलाश करते हैं। वह श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं और उन सबका अर्थ अपने ढंग से लगाते हैं। वह यह महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं एक ही तरह के आदमी की बात है और उसके अस्तित्व के प्रश्न भी एक ही तरह के। अधिक विस्तार में न जाते हुए उनके जीवन के मैं उस भाग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जो एक विदेश के औपनिवेशिक नस्ल परस्त शासन के बीच 21 वर्ष जो उन्होंने बिताए दक्षिण अफ्रीका में, जहां पर उनको एक तरह का नेतृत्व करने की परिस्थिति पैदा हुई जहां पर उस लज्जाशील व्यक्ति को समाज से जुड़ने का, राजनीति के नियमों को समझने का और उसके साथ ही एक बहुत बड़े साम्राज्य के साथ लड़ाई लड़ने का अवसर। और उसने उनको कई तरह से माजा, कई तरह के अनुभव हुए
उनको अध्ययन करने का भी मौका मिला, जैसा कि अक्सर सब लोग उल्लेख करते हैं कि रस्किन की किताब पढ़ करके उनके मन में बड़े महत्वपूर्ण उद्गार पैदा हुए, विचार पैदा हुए, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो उनके पूरे व्यक्तित्व को बदलने वाले। वहां दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए निजी तौर पर उनको तरह तरह की वेदनाओं का अनुभव हुआ, अपमान का अनुभव हुआ, और तमाम तरह के कष्ट सहती हुई जनता को नजदीक से देखने का अनुभव हुआ, और उसका प्रतिकार कैसे किया जाए, क्या किया जाए उसके लिए, इसकी एक समझदारी भी उन्होंने विकसित की। लोगों को कैसे संगठित किया जाए, कैसे उनके कष्टों को समझा जाए, और उसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने अखबार भी निकालना शुरू किया, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, सभी भाषाओं में वह अखबार वहां निकाल रहे थे, पूरे समाज को संबोधित कर रहे थे। और वहीं पर उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म और फिनिक्स फार्म बनाया, और वैकल्पिक रूप से जीने की शैली क्या हो सकती है इसके प्रयोग की। उन्होंने प्रकृति को भी समझने की कोशिश की, समाज को भी समझने की कोशिश की, तो शुरू से ही एक तरह की आंतरिक खोजबीन उनके जीवन में खड़ी होती है, और वो कहते हैं कि जो विचार काम का नहीं है छोड़ दो। किसी भी विचार की प्रामाणिकता जीवन में उसके उपयोग के ऊपर निर्भर करती है। पूरे 21 वर्ष का समय गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बिताया, 4 बच्चे उनके थे, पत्नी उनकी थी, और उसके साथ ही पूरे समाज के साथ ही वो जुड़ते रहे। यह बहुत बड़ी एक ऐसी अवस्था थी जबकि उनको जीवन, समाज, राजनीति, इन सबका बड़ा साक्षात अनुभव हुआ। मैं बात जो कहना चाहता हूं वो ये है कि अपने सत्य का, अपने आप का सतत साक्षात्कार करना और उसमें बदलाव ले आना, परिवर्तन ले आना, यह शुरू से ही उनके जीवन में घटित होता है। और वह व्यक्ति जो बहुत समाज से अलग, अकेला, दूर रहने वाला, लजाने वाला व्यक्ति था, वह जब 1914 में अमेरिका से, अफ्रीका से वापस भारत में आता है तो वो एक बदला हुआ आदमी है। और उसके पहले ही 1909 में जो महत्वपूर्ण रचना के रूप में हमारे सामने उनका विचार आता है, जो प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज, जो पूरी मनुष्यता को, उसकी सभ्यता को, उसके जीवन के लक्ष्य को, उसके जीवन के पद्धति को आलोचना के दृष्टि से देखता है और एक वैकल्पिक दृष्टि हमारे सामने रखता है कि जीवन का अर्थ क्या होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, और किस तरह के संकट उसके सामने आ रहे हैं। तो जिन अनुभवों को वह जी रहे थे और जिस तरह से उससे निपटने की सोच रहे थे और भविष्य की मनुष्यता का आकार क्या होगा इसके बारे में जो सोच रहे थे, वह सब उन्होंने उस पुस्तक में अंकित किया। तो मनुष्यता का स्वरूप क्या होना चाहिए, वह एक ऐसे विकल्प के रूप में देख रहे थे जो किसी का विरोध नहीं करती है। जैसा कि प्रसिद्ध वाक्य गांधी जी का हम सब लोग पढ़ते हैं, उन्होंने कहा, भाई हम अपने कमरे की खिड़कियां तो खुली रखेंगे,
ताकि बाहर की हवा आ जा सके, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हमारे पांव ही जमीन से उखड़ जाए। तो वह अपनी जमीन पर खड़े होकर के संवाद करने के लिए तत्पर है। आधुनिकता की और आधुनिकता के साथ जो नए परिवर्तन आ रहे थे उनके प्रति उनकी एक आलोचक की दृष्टि थी, और वह एक वैकल्पिक दृष्टि का विकास कर रहे थे, और ये सब कुछ उनके अनुभव के ऊपर टिका। उन्होंने जो कुछ पढ़ा था, गुना था, और अपने जीवन में प्रयोग में जो कुछ वह ले आ रहे थे उसके निचोड़ के रूप में वह हमारे सामने हिंद स्वराज में रखते हैं, और वह भी संवाद की शैली में। कहीं कहीं उनके मन में कृष्ण और अर्जुन के संवाद, श्रीमद् भगवद गीता के संवाद की गूंज तो रही ही होगी, और इस संवाद के रूप में उस छोटी सी पुस्तक में वह तमाम सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो मनुष्यता के सामने खड़े थे और किन्हीं अर्थों में आज भी खड़े हैं, जबकि 1900 के बाद एक शताब्दी का समय बीत चुका है। हम लोग जब गांधी जी के विचार की पद्धति और अनुभव के साथ उसके जुटे हुए रूप को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि वह निरे सिद्धांतवादी नहीं थे, न निरे व्यवहार के ऊपर निर्भर करते थे, बल्कि व्यवहार और सिद्धांत दोनों के बीच में आवाजाही हमेशा रहती थी। उसका परिणाम है कि उनके विचारों में निरंतर परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, और वह यह कहते भी हैं कि भाई बाद में जो हमने कहा है उसी को मानो, क्योंकि हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। और अपने जीवन में कितना कुछ उन्होंने लिखा है जो अंग्रेजी में लगभग 100 खंडों में प्रकाशित है, हिंदी में भी उसके शायद 92 खंड प्रकाशित हो चुके हैं, गुजराती में भी प्रकाशित हुए, इतना विपुल उनका लेखन है। हालांकि किताबों के रूप में उनकी 3 किताबें ही प्रसिद्ध हैं, दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने सत्याग्रह किया था उसके ऊपर उनकी आत्मकथा, और हिंद स्वराज। उनके पत्रों, उनके व्याख्यानों, इन सब का संग्रह बहुत सारा है। छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी उन्होंने कई लिखी हैं, मंगल प्रभात, रचनात्मक कार्यक्रम, तमाम सारी ऐसी ऐसी पुस्तिकाएं हैं, आरोग्य की कुंजी, तमाम सारी किताबें हैं। मजेदार बात यह है कि उनकी मौलिक रचनाएं गुजराती में, उनकी अपनी मातृभाषा में पहले लिखी गई, बाद में उनका अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ। एक और बड़ी महत्व की बात है, हिंद स्वराज को प्राय सभ्यता की समीक्षा कहा जाता है। गुजराती में जो शब्द है वह सुधारो है, वह एक प्रकार के रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। यह अपने आप में एक रोचक प्रश्न है कि वह गुजराती से जब अंग्रेजी में अनुदित हुआ तो उसका अनुवाद सिविलाइजेशन वहां हुआ है। तो उनके मन में भारतीय समाज के परिष्कार की चिंता थी कि वह किस तरह से एक नए समाज का निर्माण हो और एक नए मनुष्य का निर्माण हो। इस पृष्ठभूमि में यदि हम विचार करें और उनके जीवन के कुछ पन्नों को पलटें और देखें तो हमारे सामने कुछ बातें बहुत स्पष्टता से दिखाई पड़ती हैं। पहली बात जो हमारे सामने आती है वो ये है
कि कहीं न कहीं बड़ी गंभीरता के साथ महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आते हैं जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है, जिसका ईश्वर में विश्वास, लेकिन वह ईश्वर किसी खास धर्म विशेष से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व नहीं है। वह ईश्वर अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त चेतना के रूप में है। वह ईश्वर उन नियमों के रूप में है जिसके अंतर्गत यह पूरा विश्व संचालित हो रहा है। गांधी जी यह भी कहते हैं कि तर्क और ज्ञान की अपनी सीमा होती है, इसके बदले में वह अनुभव को, प्रज्ञा को, इंट्यूशन को ज्यादा महत्व। कई बार वह इस बात का उल्लेख करते हैं कि हमको ऐसा महसूस होता है। तो आस्था, निष्ठा, प्रज्ञा, यह एक दूसरी पद्धति है जिससे आप अनुभव करते हैं। किसी बड़े सत्य के अनुभव के लिए तर्क अपर्याप्त हो जाता है। गांधी बड़े बलपूर्वक यह बात हमारे सामने रखते हैं और यहीं पर वह धर्म की एक बड़ी व्यापक दृष्टि हमारे सामने रखते हैं। वह धर्म जो कि सभी धर्मों से अलग है, सभी धर्मों के ऊपर है, और वह इस बात को हमारे सामने ले आते हैं कि धर्म जो है वह एक खास तरह की दृष्टि के रूप में है, जिसे हम रिलीजन या पंथ के रूप में देखते हैं। वह एक दृष्टि है और यह दृष्टि कई प्रकार की हो सकती है, और उसका कारण यह है कि मनुष्य की बुद्धि सीमित है, उसकी दृष्टि सीमित है, और जिस यथार्थ तक उसकी पहुंच होती है वह सीमित यथार्थ होता है। तो यदि इस्लाम की दृष्टि से देख करके एक तरह का ईश्वर का बोध मिलता है तो क्रिश्चियनिटी में या हिंदू धर्म में एक दूसरे तरह का बोध। वह यह महसूस करते थे कि यह उस दृष्टि के सीमित होने का परिणाम है कि यह भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र जो हैं वो हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। धर्म एक ऐसे नियम के रूप में, जो कि धर्म का जो मूल संस्कृत का शब्द है, जो धारण करने के अर्थ में है, जो जीवन के नियम के रूप में है, उसको वह धर्म के रूप में ग्रहण करता है। और यह धर्म सबको अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है, अपने अंदर बांध लेता है। तो धर्म की जो तमाम रीतियां हैं वह रीतियां अपने आप में समग्र का बोध नहीं कराती हैं, अंश का ही बोध कराती हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि ये अलग अलग मार्ग हैं किसी एक लक्ष्य की ओर जाने के, और इस तरह से वह निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि भाई इस भिन्न भिन्न दृष्टियों के आधार पर हमको भेद नहीं करना चाहिए। तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, अगर ऐसा हुआ कुछ कह पाते हैं तो उसका आधार यही है कि दृष्टि की सीमित जो सीमा है उसके कारण एक प्रकार से हम देख रहे हैं, अन्यथा वह एक ही है। अनुभद्रा कृतो यंतु विश्वतः, हर तरह के विचार आए उनका स्वागत है। या फिर वेद में हम यह भी पाते हैं कि एक ही विचार है लेकिन अलग अलग ढंग से, एकम सत विप्राह बौधा बद,
कहीं कहीं ये बात हमको गुनगुनाती हुई गांधी जी के जो सैद्धांतिक विचार हैं उनमें परिलक्षित होती है। तो मनुष्य मूलतः एक ऐसी सत्ता से जुड़ा हुआ है जो सर्वव्यापी है, और इस बात की उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वह सर्वव्यापी सत्ता किस प्रकार की है, उसका स्वरूप क्या है, और उन्हें लगा कि उस नियम का नाम हम सत्य कह सकते हैं जो अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे उनको यह भी महसूस हुआ कि ईश्वर के लिए ईश्वर कुछ अन्य है और उसके लिए नाम सत्य है ऐसा नहीं है, पर वह यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई सत्य ही ईश्वर है, और यह एक बड़ी रोचक खोज के रूप में वह उपस्थित करते हैं। और उसका कारण यह भी है कि सत्य को कौन झुठलाएगा, सत्य तो सत्य है, सत्य की प्रामाणिकता असंदिग्ध है क्योंकि वह सत्य है, वह प्रामाणिक है, इसलिए उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। उनकी खोज यह भी थी कि इस सत्य तक पहुंचने का मार्ग क्या होगा, और इस सत्य तक पहुंचने के मार्ग के रूप में उनकी तलाश खत्म होती है अहिंसा तक, अहिंसा से चलते हैं तो सत्य तक पहुंचते हैं, और सत्य से चलते हैं तो अहिंसा तक पहुंचते हैं। अहिंसा केवल हिंसा से अलग रहना ही नहीं है, बल्कि वह एक सकारात्मक व्यवहार भी है, वह ऐसा व्यवहार है जिसमें स्नेह है, जिसमें प्रेम है, जिसमें दूसरों को जीवित रहने की छूट है, और कोई कारण नहीं है कि ऐसा न किया जाए। और इस अहिंसा को, इस सत्य को और व्यापक दृष्टि से वह देखते हैं, और वह ईशावास्योपनिषद तक पहुंचते हैं जहां पर कहा गया है कि जो कुछ है वह सब ईश्वर आच्छादित है, ईश्वरमय है, और कुछ है ही नहीं। और उस ईश्वर की सारी अगर संपत्ति है, वही उसका ओनर है, तो मनुष्य उस पर अपना नाम कैसे लिखवाता है? वह तो केवल दृष्टि हो सकता है, न्यासी हो सकता है। और गांधी जी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारा भिन्न भिन्न वस्तुओं के ऊपर, संपत्तियों के ऊपर कोई अधिकार नहीं, हम तो उसके रखवाले हो सकते हैं, उसके ट्रस्टी हो सकते हैं, न्यासी हो सकते हैं। हमारा संबंध उस वस्तु के साथ, इस विश्व में जो कुछ विद्यमान है उसके साथ हमारा जो संबंध होगा वह रखवाले वाला होगा, ट्रस्टी वाला होगा, वह अधिकार वाला नहीं। यह एक बहुत बड़ी विचार की पद्धति थी जो सबका समावेश करने वाली थी। गांधी जी अपने विचारों में यह भी पाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वह अहिंसा का मार्ग है, वह ऐसा मार्ग है जिसमें सह अस्तित्व स्वाभाविक रूप से मौजूद है। और इसी क्रम में वह यह भी ध्यान में ले आते हैं कि ईश्वर जो है वह प्रकट रूप में जो उसकी संतानें हैं, जो मनुष्य हैं, उनके रूप में हमारे सामने है, और ईश्वर सेवा जो है वह मनुष्य की सेवा के रूप में। तो सेवा धर्म का निर्वाह किया जाए, और सेवा में हम कुछ वापस नहीं मांगते हैं। सेवा उसी तरह से है जैसे आप सांस लेते हैं, जैसे आप जीवन के और कार्य करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से दूसरों से कैसे जुड़ा जाए, एक ऐसे व्यापक समाज को कैसे निर्मित किया जाए, यह उनके लिए
या प्रश्न खड़ा हुआ था, तो उनका जो धर्म का ईश्वर का विचार है वह शुद्ध रूप से एक सामाजिक विचार है जो इस धरती पर रहने वाले समाज के जीवन से जुड़ा हुआ है। तभी वह अपना ध्यान केवल राजनैतिक स्वतंत्रता पर नहीं केंद्रित करते हैं, वह स्वराज के ऊपर करते हैं। स्वराज का अर्थ होता है अपना अपने ऊपर नियंत्रण, और इस स्वराज को वह अधूरा मानते हैं जब तक समाज में भी उचित परिवर्तन नहीं आता है। आप देख लें गांधी जी के जीवन में राजनैतिक नेतृत्व और राजनैतिक कार्य करने के साथ निरंतर सामाजिक सांस्कृतिक दायित्वों के साथ जुड़ना भी मौजूद रहा है। वह पूरे समाज को कैसे साथ लिया जाए इसकी तमाम सारी योजनाएं बनाते हैं और उन पर काम करते हैं। वह बड़े गंभीरता से यह विचार करते हैं कि साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों की दृष्टियां अपर्याप्त हैं और दोनों ही कहीं न कहीं शोषण की ओर ले जाती है। संपत्ति को अधिकाधिक एकत्र किया जाए तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, इस पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया। और तब उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हमको अपरिग्रह करना चाहिए, हमको जितना आवश्यक है उतनी ही सामग्री रखनी चाहिए, उससे अधिक नहीं रखना चाहिए। तो इस अपरिग्रह को उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा बनाया, अपने आश्रमों के नियम के रूप में उसको स्वीकार किया, अस्तेय को भी उन्होंने स्वीकार किया, चोरी ना करना। तो अस्तेय और अपरिग्रह के आधार पर वो व्यक्ति को खोलते हैं, उसके व्यक्तित्व को व्यापक बनाते हैं ताकि दूसरे भी उसमें शामिल हो सकें, हम दूसरे के काम भी आ सकें, समाज के काम भी आ सकें। केवल अपने लिए ही स्वयं जीना जो है वह पर्याप्त नहीं है, यह एक बड़ी महत्व की बात है। और उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि मनुष्य और पशु दोनों बहुत सारे अर्थों में समान है, चाहे वह भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे निद्रा हो, चाहे मैथुन हो, इन सारी प्रवृत्तियों में तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य का जो उदात्त रूप है जिसके कारण वह मनुष्य बनता है, जो मनुष्यता का बोध है वह इस रूप में है, वह अपने ऊपर कुछ वर्जनाओं को कुछ नियंत्रणों को ले आ पाता है। पशु जो है वह तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी के रूप में भिन्न भिन्न चीजों के प्रति, वस्तुओं के प्रति उसका सीधा एक जवाब होता है, लेकिन मनुष्य में ऊपर उठने की क्षमता है, पशुत्व से ऊपर उठने की जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति है कि वह अपने ऊपर तमाम तरह के नियंत्रण स्थापित करता है। वह यह तय करता है कि हमको कितना चाहिए, हमको कितना चाहिए। गांधी जी ने नीड और वांट के बीच में बड़ा स्पष्ट एक सीमा रेखा रखी कि भाई चाह तो किसी की नहीं पूरी हो सकती है, आपके मन में जो कुछ इच्छा हो सब कुछ पूरी होती रहे तो संभव ही नहीं है। इच्छाओं का स्वरूप ही इस प्रकार का है कि वह पूरी कभी नहीं होंगी, लेकिन जो आपकी जरूरतें हैं वो जरूर पूरी हो सकती है। जो नीड है, जो आपकी आवश्यकता है, वह तो पूरी हो सकती है। हम आज उपभोक्तावाद कंज्यूमरिज्म के चक्कर में जिस तरह से फंसे हुए हैं उसकी ओर गांधी जी ने बड़े गंभीरता से ध्यान आकृष्ट किया था कि मानव स्वभाव के लिए यह ठीक नहीं है। मनुष्यता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी आवश्यकताओं तक तो अपने को सीमित रखे, लेकिन उसके अतिरिक्त आप क्या प्राप्त करते हैं यह तो अंतहीन है। मित्रों,
मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसे पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं। पिछले 15-20 वर्षों में इसमें बड़े अनुसंधान हुए हैं। आप सब लोग भी अखबारों में पढ़ते होंगे कि आजकल हैप्पीनेस के ऊपर बड़ा विचार हो रहा है, और हैप्पीनेस को लेकर के प्रसन्नता कहिए, आनंद कहिए, सुख कहिए, खुशहाली कहिए, बहुत सारे शब्द हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ सेटिस्फेक्शन, इन सबको लेकर के प्रचुर मात्रा में अध्ययन हो रहे हैं। और एक बात जो उससे स्पष्ट हुई है वो ये है कि आर्थिक प्रगति निरंतर होती रहे और उसी के साथ आपके सुख और खुशहाली में भी वृद्धि होती रहे, ऐसा कुछ है नहीं। एक सीमा के बाद आपकी आर्थिक सुख, आर्थिक समृद्धि की मात्रा जितनी हो जाए उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला है, कहनमैन, जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के विद्वान भी है, उनका काफी कुछ अध्ययन करने के बाद उनके भाई देखो, अगर $75,000 वार्षिक आय हो जाती है तो इसके बाद कितनी आय बढ़ती है उससे सुख की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। और कुछ और भी मजेदार बातें हैं कि आप जब कुछ चीजें अनुभव करने लगते हैं तो उसके साथ आपका अनुकूलन हो जाता है। बढ़िया भोजन कर रहे हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, एक समय के बाद वैसे ही लगता है, तो फिर आप कुछ और पाना चाहते हैं, तो कुछ और पाना चाहते हैं, भिन्न पाना चाहते हैं, यह आवश्यकता नहीं है, यह विचार करने की जरूरत है। गांधी जी ने इधर ध्यान दिया, अपने जीवन में भी अपरिग्रह को उन्होंने जगह दी थी, और उन्होंने यह कोशिश की थी कि उनके साथ के जो लोग हैं वो भी उस पर आचरण करें कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो। गांधी जी मानते थे कि एक मनुष्य के रूप में हम आत्मा, मन, बुद्धि और शरीर, शरीर का स्वभाव, तो ये चार तत्व हैं, आत्मा है, बुद्धि है, मन है, और जो आपकी प्रकृति है, जो आपका स्वभाव है। हर व्यक्ति का स्वभाव भिन्न प्रकार का है, लेकिन आत्मा का अंश जो है उसके कारण आप सबसे जुड़ जाते हैं, वह ईश्वरीय अंश है, और इसीलिए आपकी व्यापकता होनी चाहिए, सबके प्रति आपका लगाव होना चाहिए। अगर आप यह मानते हैं कि आपका कुछ नहीं है, सब अगर ईश्वरीय है, तो आपकी यह समझ एक दूसरा विकल्प देती है। अगर आप यह मानते हैं सब कुछ ईश्वर आच्छादित है, गांधी जी कहते हैं कि मैं तो अद्वैतवादी हूं, मैं सब में एक ही भाव देखता हूं, सब जगह ईश्वर की उपस्थिति देखता हूं, और इस दृष्टि को अगर आप देखें तो चाहे वह जल हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, सर्वत्र उसी चेतन सत्ता का वास अगर दिखाई पड़ता है तो हमको सब पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर हम जो आंख मूंद करके उपभोग करने पर लगे हुए हैं, पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं, वायुमंडल को नष्ट कर रहे हैं, तो वह भी पाप होगा, अधर्म होगा, वह भी हम आत्मा के विरुद्ध जाकर के कर रहे हैं। अगर हम अपने को व्यापक दृष्टि से जोड़ते हैं ईश्वर के साथ, परम सत्ता के साथ, तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम जीवन को उस दृष्टि से देखें कि जीवन कैसे संपन्न हो सकता है, समृद्ध हो सकता है। तो गांधी जी की जो मानव दृष्टि है वह केवल उपभोक्ता दृष्टि पर, सीमित दृष्टि पर केंद्रित न होकर के
व्यापक दृष्टि पर है, जो सबके साथ जोड़ती है, जो हमसे यह आग्रह करती है कि हम अपने स्वरूप को विचार करके देखें कि क्या हम शरीर मात्र हैं। यदि शरीर मात्र नहीं है तो हमारा आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, हमारे ऊपर उठने की, उदात्त होने की तमाम सारी संभावना। मित्रों, इस व्यापक मानव बोध जो कि सबको साथ लेकर के चलने वाला है और जो ईश्वरीय सत्ता के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो किसी में भेद नहीं देखता है, वह हमको आमंत्रित करता है कि हम ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित हों जिसमें आंतरिक रूप से इंट्रिंसिकली सबसे जुड़ने की भावना हो, एक प्रकार के सौहार्द और सौमनस्य की भावना हो। जीवन भर गांधी जी ने तमाम सारे ऐसे कार्यक्रम किए, चाहे आप चरखा को लें, खादी को लें, हरिजन उद्धार को लें, ग्राम उद्योग को लें, आप तमाम क्षेत्रों में आप पाएंगे तो उनका एक समावेशी दृष्टिकोण था जिसमें वह पूरे समाज को लेकर के चलते थे। उनकी चिंता केवल थोड़े से लोगों के लिए नहीं थी, उनकी चिंता समाज के अंतिम जन के लिए भी थी, उस गरीब के लिए भी थी, उस व्यक्ति के लिए भी थी जो कि दूर खड़ा है, जो कि अशक्त है, जिसके साधन सीमित हैं। और विकास का अर्थ, सबके विकास का अर्थ यह है कि उसमें उस गरीब की भी सुनी जाए। उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, हम सब लोग पढ़ते हैं उसको, कि अगर कोई निर्णय लेना हो तो यह देख करके निर्णय लो कि वह उस गरीब के हित में है कि नहीं है। अगर उसके हित में है, सर्व के हित में है, तब तो ठीक है। तो सर्वोदय कैसे होगा, सबका हित कैसे होगा, यह व्यक्ति की जो सीमा है उसका विस्तार किए बिना संभव नहीं है। आज क्षुद्र बुद्धि से, स्वार्थ बुद्धि से हम अपने आप को सीमित किए जा रहे हैं। यह आज के समय का, आज के इस विश्व का, आज की जो पर्यावरण की परिस्थिति है उसका यह तकाजा है, उसके ओर से यह डिमांड हमारे ऊपर है कि हम अपने ऊपर विचार करें कि उपभोग पर अगर सीमा नहीं लगाएंगे, इस धरती की सीमित क्षमता है, कितना पेट्रोल है, कितने संसाधन है, यदि हम उस पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो मनुष्यता का भविष्य खतरे में है। मित्रों, महात्मा गांधी हमारे सामने इन विचारों को जीवन में कैसे उतारा जाए इसके उदाहरण के रूप में उपस्थित होते हैं। वह मनुष्यता के एक ऐसे उदात्त स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं जो संभव है। कहीं न कहीं हमारे दृष्टि के आगे भ्रम है, उन भ्रमों को दूर करने की आवश्यकता है शिक्षा के लिए। तभी वह कहते थे कि सर्वांगीण होनी चाहिए, वह मन और बुद्धि और शरीर सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, हमारा यह दायित्व है कि इस दृष्टि को, इस संपूर्णता की सकल दृष्टि जो है, जो कि सबको समावेश करने वाली है, ऐसी दृष्टि का विकास करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप गांधी जी के विचार को, जीवन को इस दृष्टि से देखने का यत्न करेंगे और अवश्य एक ऐसे समाज के निर्माण में सहभागी होंगे जिसमें सबके लिए अवसर होगा। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट इंद्रजीत सर टू टेक द क्वेश्चन फॉरवर्ड। थैंक यू सर। सर को जब भी सुनने का मौका मिलता है तो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए इसमें हमेशा संभावना बनी रहती है। आज भी हम लोगों ने गांधी के जो
जो विचार मूल्य हैं, उन्होंने किस तरीके से सत्य को समझा और सत्य और ईश्वर के बीच के संबंध, धर्म को उन्होंने कैसे समझा और स्वराज के अंदर उन्होंने आत्मसंयम को किस तरीके से परिभाषित करते हैं, आत्मसंयम को स्थापित करते हैं कि स्वतंत्रता का तात्पर्य केवल बाहरी स्वतंत्रता से नहीं है बल्कि उसमें कुछ आत्मसंयम भी है जो केम मूल्यों से ऊपर उठाता है और इन सारे चीजों को जो भी श्रोता है वो इससे काफी लाभान्वित हुए होंगे। कई सारे सवाल भी होंगे तो मैं यहाँ जो भी सवाल यहाँ पर पूछना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक जो सवाल आया है उसमें मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसमें एक सवाल है कि जो हिंदुत्ववादी, इसमें कि सर गांधी जी ने हिंदुत्ववाद की आलोचना भी की और वकालत भी की, लेकिन अंत में वह उसी हिंदुत्ववादी विचारधारा का शिकार हो जाते हैं, इसे आप मनोविज्ञान की दृष्टि से कैसे देखते हैं? क्या गांधी के हिंदुवाद में खोट था या स्वतंत्र होने के बाद हिंदुत्ववाद का स्वरूप बदल गया? ये अजीत कुमार जी का सवाल है। बहुत बहुत बधाई इस बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए, और ये एक प्रश्न है, इसमें कई सारे प्रश्न हैं और इस पर काफी लंबी चर्चा की भी आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे भ्रम हमारे मन में बने हुए हैं। मैं समझता हूँ कि धर्म को लेकर के जितना खुलापन गांधी के विचार में है वह प्रायः और जगह हमें नहीं दिखाई देता है। गांधी हिंदू हैं, गांधी राम की भी बात करते हैं, लेकिन गांधी के राम जितने राम हैं उतने ही रहमान भी। गांधी को यह मुखर रूप से कहने और लिखने में कहीं पर बाधा नहीं, तो वह आगे बढ़ करके वह ईश्वर की, एक ईश्वर की धारणा जो कि सबकी पहुंच के अंदर है, इसको मान करके आगे चल रहे हैं। उसी के आधार पर वह अपने व्यवहार को भी आयोजित कर रहे हैं। अब आप देखिए कि हिंदुत्व के तमाम अर्थ हो सकते हैं और संभव है। हिंदुत्व एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत तमाम सारे विकल्प हैं। अब गांधी को समझना इसलिए कठिन है कि वह ईसा मसीह के विचार से भी उतने ही प्रभावित है, वह कुरान पढ़ करके भी उतने ही प्रभावित है और वह गीता पढ़ करके भी। तो उनकी जो धर्म की अवधारणा है वह एक ऐसी अवधारणा है जिसका निर्माण उन्होंने स्वयं किया है, जो अनुभव सिद्ध है, उसको एक खांचे में रख करके और उसके आधार पर उसकी आलोचना करना एक शायद उचित काम नहीं। अब यह भी अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। मैं इतिहासकार भी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत जो मैंने पढ़ाई की है और जो मुझे समझ में आता है, आप यह देखें क्या गांधी की मृत्यु की जो घटना है वह भी अपने आप में पूरे समाज में उस समय जिस तरह का तनाव चल रहा था उस तनाव को कम करने में सहायक हो जाती है। उनका जो बलिदान है वह भी कहीं न कहीं उस समय जितनी भयानक स्थिति मची हुई थी उसको दूर करने में, उनका जीवन भी नोवाखाली में भी वह वही कर रहे थे कि समाज के बीच में जो विपर्यास है, जो भेदभाव है, जो भरोसे की कमी है वो कैसे खत्म। मैं कह नहीं सकता कि वह कहाँ तक विभाजन के लिए उत्तरदायी है या नहीं। आप तमाम सारे जो दस्तावेज हैं उनको
देखे हुआ तो भारत को एक देश के ही रूप में देख रहे हैं। किस किस तरह की समस्याएं थी वो एक जटिल प्रश्न है, किसी एक के ऊपर उंगली उठा देना बड़ा आसान है कि इनके नाते ऐसा हुआ यह कहना बड़ा कठिन है, लेकिन अपने आचरण के द्वारा उस व्यक्ति ने धर्म की एक व्यापक परिभाषा रखी थी जो सीमित हिंदुत्व से कहीं ऊपर उठ कर के जाती है। वह वर्ण की बात कर रहे थे, वह कर्म की भी बात कर रहे थे, वह पुनर्जन्म की भी बात कर रहे थे, और इस शरीर में जो आपका स्वभाव है वह अगर किसी नियम के अनुसार आप जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम कहीं आपको अगर भोगना है तो यह जो नियमबद्धता है वह किस रूप में व्याख्याई की जाए, अलग अलग परिभाषाएं हैं, तो वह हिंदुत्व के एक व्यापक अर्थ के विस्तार के पक्ष में थे और बहुत लोगों के लिए वह बहुत स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता है और उसमें आप भेद देख सकते हैं। आप इतने भेद आप हिंदू धर्म में पाते हैं आचरण के स्तर पर, भेदभाव के स्तर पर, प्योरिटी पॉल्यूशन जिसे कहते हैं उनको लेकर के, और यह सबको समाहित करने वाला है, तो सबको छूट है कि वह किस तरह से आचरण करे, किस तरह से चाहे आप शिव को माने, गणेश को माने, कृष्ण को माने, राधा को माने, किसी को भी मान करके आप हिंदू भले पूरे हिंदू हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक को अगर महत्व देते हैं और दूसरे को खराब मानते हैं तब तो संकट पैदा हो जाता है जो प्राय होता है। तो मैं समझता हूं कि यह दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है, दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है। मैं अधिक विस्तार में न जा करके यही कहना चाहूंगा कि गांधी का धर्म का जो विचार था वह व्यापक था, वह रामराज्य की भी बात करते हैं, वह उनके राम हैं मगर वो सिर्फ दशरथ नंदन ही नहीं, वो तो सारे विश्व के नियंता हैं और वह ईश्वर के रूप में है, सर्वज्ञ हैं, सारी चेतना में व्याप्त हैं। तो ऐसे राम को भी वो दूसरे लोग भी मानते हैं और नहीं भी मानते हैं, सीमित अर्थ में भी मानते हैं, तो ये कठिनाई तो हमेशा बनी रहेगी और अलग अलग तरह की व्याख्याएं होती रहेंगी। तो वह हिंदू थे लेकिन एक व्यापक दृष्टि वाले हिंदू थे, और सीमित दृष्टि से आप देखिए तो वह द्वंद्व खड़ा होता है कि वह ठीक थे या नहीं थे। मैं समझता हूं कि वह अपने जीवन के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा पूरी तरह से उस सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हैं जिस सिद्धांत के लिए वह खड़े थे। यहीं पर अपनी बात। सर दूसरा सवाल ये प्रियम दीक्षित का है, बीए ऑनर सेकेंड ईयर से। ये पूछते हैं कि प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन गांधीज व्यू ऑन कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग 1920s एंड 30s, आल्सो हाउ हिज डिबेट्स with B.R. Ambedkar and Gopalji Ramachandran Rao made him change his earlier views to an exponent of an anti-casteism. और ये साथ में एक और ये पूछ रहे हैं, also sir, how do you see value of non-violence preached by Gandhi that's losing its charm in contemporary India's Indian society? बहुत सारे प्रश्न हैं और गांधी अंबेडकर इन सब की चर्चाओं को लेकर के बहुत सारी लंबी चर्चाएं होती रही, आगे भी होती रहेंगी और उस पर काफी विचार विमर्श है। मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक रूप से क्या सत्य है यह अब इस पर विवाद हमें रोक देना चाहिए, क्योंकि हमेशा दोनों तरह की दृष्टि आती है कि कौन ठीक है और कौन ठीक नहीं है और उनके बीच में किस तरह का विमर्श चला था। व्यापक रूप से यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि गांधी ने प्रखर रूप से इस बात की कोशिश की कि पूरे समाज को एक साथ कैसे लिया जाए, हरिजन सेवक समाज तमाम सारे इस तरह के, और अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को दूर करने का उनका
प्रयास भी हमारे सामने है और एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए उनका योगदान है। किस हद तक वह सही थे, किस हद तक वह गलत थे, ये सब निर्णय करने का यह अवसर नहीं है, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। दूसरी बात यह है कि इस समाज में सबको अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्ध संसाधन पर्याप्त हो, यह उनकी दृष्टि थी और इसके लिए वो सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तमाम सारी परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण कौन साथ में है या कौन साथ में नहीं है, कौन कितने कदम साथ में चला, ये किसी के हाथ में नहीं होता, ये तमाम सारी परिस्थितियों के ऊपर है। मैं इस विवाद में भी नहीं पढ़ना चाहता कि गांधी जी की जो दृष्टि थी और नेहरू जी की जो दृष्टि थी विकास के बारे में, समाज के बारे में कितना अंतर था, अब क्या करिए, हमारे सामने जो परिस्थिति है उसमें क्या उचित है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। उनमें दोष देख करके और उनका उसमें जो अच्छाई है उसको कैसे ग्रहण किया जाए, ये हमारे सामने ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है कि अभी भी 65% जनता भारत की गाँव में है और किस हाल में गांव है, उनका विकास किस तरह से हो रहा है, कैसे होना चाहिए, गांव को विकेंद्रित करके और कैसे उनको स्वावलंबी बनाया जाए। स्वदेशी का जो विचार उन्होंने रखा था उसका अर्थ यही था कि जो स्थानीय सुविधाएं हैं, संसाधन है, उसके आधार पर विकास का एक मॉडल डेवलप किया जाए। तो इन सब बातों पर कभी थोड़ा ध्यान गया, कभी नहीं गया, लेकिन विकास का केंद्र तो शहर बना रहा और सारी जनता गांव में रहती है, ये असंतुलन तो अभी भी है और पहले भी था। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को इन सारे प्रश्नों पर अब अधिक विचार करने की जरूरत है, ऐतिहासिकता में जा करके और दोष सिद्ध करना, मैं समझता हूँ कि ये किसी प्रकार से हमको बहुत लाभान्वित नहीं करेगा। दूसरी बात यह कि अहिंसा का कोई विकल्प नहीं है, आप हिंसा करके भी अंततः क्या चाहते हैं, युद्ध करके आप शांति पाना चाहते हैं, शांति पाने के लिए ही आप युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध करके शांति होती नहीं। मैं समझता हूं कि अंततः तत्व आपके पास अहिंसा के अलावा और कोई चारा नहीं है। यदि मनुष्य जीवन में शुरू से लेकर अंत तक पारस्परिकता और एक दूसरे के ऊपर निर्भरता यह जीवन का मर्म है, कोई भी कार्य आप अकेले नहीं कर सकते, आपको जुटना पड़ेगा, कई लोग मिल करके ही कोई काम पूरा कर पाते हैं, तो ये जो रिश्ते हैं वह तभी संभव होंगे जब स्नेह हो, जब अहिंसा हो, जब प्रेम हो। अहिंसा का प्रेम करना है, तो ये चाहे एक कॉर्पोरेट ऑफिस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, फैक्ट्री हो, कोई पार्टी हो, कोई समुदाय, कोई परिवार हो, कहीं भी उसके संचालन का जो आधार होगा, उसकी उपलब्धि का, उसके आगे बढ़ने का, वह कोऑपरेशन ही होगा, इंटरडिपेंडेंस ही होगा। लीडरशिप में भी आप कोई भी मॉडर्न थियरी लीजिए, कोई भी काम ले लीजिए, मैं समझता हूँ कि अहिंसा का कोई विकल्प नहीं, अहिंसा को व्यापक अर्थ में देखना आवश्यक है। मैं नहीं समझता कि हिंसा से कोई क्षणिक जो परिणाम दिखाई पड़ता है वह कितना कारगर होता है, कितना इफेक्टिव होता है, उसका आप कहीं मूल्यांकन करके आप देख सकते हैं। तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो कुछ भी शांति स्थापित अगर करनी है वह अहिंसा से ही हो सकती है, क्योंकि हिंसा का परिणाम केवल हिंसा ही। सर अगला सवाल इसी से हालांकि जुड़ा हुआ है, ये
प्रभांशु का सवाल है कि गांधी जी के इसमें देखने को मिलता है कि वो सामाजिक बुराई जैसे छुआछूत आदि का काफी विरोध करते हैं, पर उनके जातिवाद पर विचार खुलकर सामने नहीं आते हैं, तो जाति के संदर्भ में उनके क्या विचार थे, इस पर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें तो ये पूछ रहे हैं। और दूसरा सवाल ये सुलभ का सवाल है, जो पूछते हैं गांधी जी के सत्य अहिंसा के प्रयोग से संबंध में कि सत्य अहिंसा का सिद्धांत अंग्रेजों के सामने तो जीत गया था, परंतु एक प्रश्न यह भी आया कि अगर गांधी जी के सामने हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह होते तो क्या तब भी वो उतने सशक्त तरीके से उनसे मुकाबला कर पाते, या वो उस समय वो किस तरीके से उससे रिस्पॉन्ड कर पाते, या वो इसको किस तरह से लेते हैं? मेरा ख्याल है कि हमको सारे तथ्यों को समग्रता में देखना चाहिए। मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि गांधी के विचारों को एक जगह फिक्स करके देखने से काम नहीं चलेगा। 90 खंड जो है वो 60,000 पृष्ठों में है, जो कलेक्टेड वर्क उनका प्रकाशित है, और निरंतर इतना ज्यादा उन्होंने लिखा है, पढ़ा है और बोला है कि उन सबको देख करके यह निश्चय करना कि किस समय गांधी ने क्या कहा और फिर कहां उसमें परिवर्तन आया, ये पूरी तरह से देखने की आवश्यकता है। तो किस ये पूरा ज्ञान मुझे भी नहीं है। एक जो दृष्टि हमको सीमित दिखाई पड़ती है वो ये है कि कहीं न कहीं गांधी का जो सामाजिक दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण में जाति के आधार पर भेदभाव न करना और जाति के सीढ़ी में उसकी जो हायरार्की है उसमें जो सबसे नीचे हैं उनको जो अछूत कहे जाते हैं, जिनको समाज से बहिष्कृत किया जाता है, उनको कैसे जोड़ा जाए, यह प्रश्न उनके सामने था। और इस बात के प्रमाण हमारे पास हैं कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसका क्या उपाय हो सकता है, इसकी कोशिश उन्होंने की। तो जाति के विरोध में वह कर्म के स्तर पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, और जाति प्रथा को वह स्थापित कर रहे हो ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता है। मेरी दृष्टि अपनी है, सीमित हो सकती है, और यह देखना पड़ेगा कि पूरे अपने जीवन में वह जाति को किस तरह से ग्रहण करते हैं। जाति जिस तरह के स्ट्रेटिफिकेशन का समाज के वर्गीकरण का वो आधार है, वह उनके सामने पर्याप्त नहीं है, वह उचित नहीं है, और उसके खराब परिणाम है, इस बात को तो वह कह रहे हैं, और इसीलिए वह इस प्रथा को और उन सारे ऐसे तरीकों को जो कि भेद पैदा करने वाले हैं उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए, जब वह कहते हैं कि सबको शरीर श्रम करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आगे बढ़ करके वह शरीर श्रम की वकालत करते हैं और खुद करते हैं और दूसरों को भी करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको शामिल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, उच्च जात का है चाहे निम्न जात का हो, वह उस पायदान पर बराबर खड़ा हुआ है। जब वह कहते हैं कि शरीर से श्रम करके तुमको भोजन अपना अर्जित करना चाहिए, तो यह बात जो है वह हरेक के ऊपर लागू होती है। तो जाति के आधार पर उच्चता और निम्नता का भेद हुआ नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत है। और वो इस बात का अवसर पैदा करना चाहते हैं कि सभी शामिल हों श्रम के कार्य में और उत्पादन के कार्य में सभी शामिल हों,
तो इसीलिए वो जिस धरातल पर आकर के चरखे का उपयोग करते हैं जिसमें सभी शामिल होते हैं, तो उनका प्रयास यही है जिसे आप इक्विटी कहते हैं, जिसे आप इक्वालिटी कहते हैं, जिसे आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं, ये सारी बातें वह कैसे ले आए। उस समय का समाज विभाजित था, उस समय का समाज बटा हुआ था इन जाति धर्म तमाम सारी चीजों में। उस समय खड़े हो करके और सबको ऐसा कोई रास्ता निकालना जिसमें सभी खड़े हों। आप पढ़ाई लिखाई में भी देखिए, जब वह नई तालीम की बात करते हैं और वहां भी श्रम का महत्व वह ले आते हैं, वो कहते सबको मेहनत करनी है, सबको काम करना है। तो यहाँ पर वह जाति के सीमा से परे हट करके मनुष्य के रूप में सबकी पहचान करते हैं। तो मनुष्यता की जो भूमिका है उस दृष्टि से वह सभी जात वालों को एक ही प्रकार से ट्रीट करते हैं। दूसरी बात जो सत्य और अहिंसा के लागू करने की बात है, और उसके मैं समझता हूं कि साम्राज्य की शक्ति जितनी ब्रिटिश अंपायर की थी उससे बड़ी कोई शक्ति किसी की नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य जितना व्यापक था, जितनी सत्ता वाला था, जितना शक्तिशाली। और दूसरी बात ये कि आप गांधी को व्यक्ति के रूप में पूछ रहे हैं। गांधी व्यक्ति नहीं थे, वह विचार थे, वह समाज थे, वह एक काल की इच्छा थे, वह समग्र गांधी में पूरा भारत मौजूद है। और अगर अंग्रेजों के सामने जीते तो अकेले गांधी नहीं जीते, गांधी के रूप में पूरा देश जब खड़ा हुआ तब वह जीता। चल पड़े कोटि पग उसी ओर, तो ये जो कोटि पग चले उसका यह परिणाम था। तो गांधी ने उस प्रक्रिया को आरंभ किया। तो बड़ा दुबला पतला आदमी था, शरीर से भी बहुत ज्यादा मजबूत आदमी नहीं था, जितनी शक्ति थी। और गांधी सोल फोर्स की बात जरूर करते हैं, आत्मिक शक्ति की बात जरूर करते हैं, और वह कहते हैं कि यह आत्मिक शक्ति सबसे अधिक बलवान है। मैं बस इतना ही। सर अगला सवाल रंजीत का है कि आज के समय में ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से गांधी की आलोचना होती है और उसमें बताया जाता है कि किताबों में गांधी जी के बारे में ही पढ़ाया जाता है, परंतु जो आम स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? लोग गांधी जी के गुणों को छोड़कर बुराइयों पर अधिक बल देते नजर आते हैं, इसकी क्या वजह है? और एक दूसरा सवाल जो लवकुश का है कि सर प्लीज लेट अस नो अबाउट गांधीज व्यू ऑन वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स बाय रिलेटिंग इट एट प्रेजेंट टाइम एंड हाउ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैन बी मेक मोर रिप्रेजेंटेटिव फॉर वुमेन अकॉर्डिंग टू गांधी। देखिए बहुत सारे इकट्ठे अगर आप बहुत सारे सवाल करेंगे तो स्मृति से जो है वह उतर जाएगा। पहला सवाल वो इसके ऊपर था कि जो जनरली आरोप ये लगाते हैं कि किताबों में गांधी के बारे में पढ़ाया जाता है जी, और बाकी को छोड़ देते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि विचार स्वातंत्र्य के अंतर्गत हमारे सामने बहुत सारी दृष्टियां हैं। जो हिंदी के विद्वान हैं उनमें आजकल तरह तरह के विमर्श चल रहे, तरह तरह के डिस्कोर्स चल रहे हैं, और बहुत सारे डिस्कोर्स जो हैं वो पश्चिम से आए हुए हैं, बहुत सारे डिस्कोर्स जो हैं वो भारत में भी पैदा हुए हैं। और प्रायः यह डिस्कोर्स दो प्रकार के हैं। एक तो वे हैं जो कि कहीं पर जो उपेक्षा है
उस बात को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, और दूसरी ओर कई डिस्कोर्स सिर्फ इसलिए हैं कि हम डिस्कोर्स करना चाहते हैं, कुछ बातचीत करने के लिए होना चाहिए, तो आप एक नई दृष्टि लेकर के खड़े होते हैं, तो इस तरह का तमाम सारा परिवर्तन चलता रहता है। बहुत सारे वाद आते हैं हिंदी कविता में, आपने पढ़ा होगा प्रयोग वाद, कई प्रकार के वाद आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह छूट तो होनी चाहिए कि आप जिस दृष्टि से आप विचार करना चाहें उस तरह से आप विचार करें, लेकिन उस दृष्टि के क्या पैमाने हैं इनके ऊपर भी विचार करने की जरूरत है। कोई नहीं कहता कि वह संपूर्ण है, और गांधी भी मनुष्य थे, यत्न किया उन्होंने, भरसक यत्न किया, लेकिन आप गांधी को भगवान क्यों मान रहे हैं, उनको मिथक क्यों बना रहे हैं? वो ऐतिहासिक आदमी थे, तमाम सारी परिस्थितियों में उनका निर्माण हुआ, उनका भी विकास हुआ, लेकिन गांधी के अलावे कोई एक आदमी बता दीजिए जो यह खड़ा हो कहने के लिए, लिखने के लिए तो छोड़ दीजिए, कि मेरा जीवन मेरा संदेश है। गांधी हैं जो कहते हैं कि मेरा जीवन खुले किताब है, आकर के देख लो पढ़ लो, और गांधी हैं जिन्होंने अपने जीवन के अधिकांश पक्षों को सामने रखा है। आप उनकी आत्मकथा को पढ़ लीजिए, जितने बेबाकी से वो सारी बातों को आपने सामने रखते हैं, अपनी कमियों को, अपनी कठिनाइयों को, अपने संघर्षों को, वह अपने आप में अद्भुत है। आप ऐसे ही नहीं पाते हैं कि विश्व में सर्वाधिक अनूदित कोई आत्मकथा है तो वह गांधी की आत्मकथा है। और याद रखिए कि गांधी उसमें यह नहीं कह रहे हैं कि मैं सत्य लिख रहा हूं, वह लिख रहे हैं कि मैं सत्य के अपने प्रयोग लिख रहा हूं। प्रयोग का अर्थ है कि किसी विचार को जांचने का काम, और उस पूरी आत्मकथा में अपने सारे प्रयोगों को, विचारों को कैसे उन्होंने जांचा है, और अंत में वह कहते हैं कि मैं तो सत्य की तलाश में था और पूरा सत्य मुझे नहीं मिला, उसकी झलक कभी कभी मिली है जो मैंने इसमें दी। तो मित्रों, आपके सामने गांधी हैं पूरे, आपके सामने गांधी हैं अपने सारे कार्यों के बीच, अपने सारे के सारे लेखन के बीच आप गांधी को ढूंढ लीजिए, पहचान लीजिए, और वो आपके कटघरे में हैं, खड़े हैं। आप जो देखना चाहिए वो आप उनमें देखिए, वह कोई बंधन नहीं ले आते। कोई ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा जो अपने बारे में इतने खुलेआम बात कर रहा है। अब आप उनकी आलोचना करना चाहें तो आप करें, आप अच्छा देखना चाहें तो वह भी ठीक है, आप बुरा देखना चाहें तो वह भी ठीक है, मगर यह काम भी अपने आप में बहुत बड़ा है कि आप अपनी अच्छाई और बुराई दोनों को प्रस्तुत कर पाते हैं। गांधी की आत्मकथा में आप यह सब पाते हैं कि वह किस तरह से आत्मसंधान की, सेल्फ डिस्कवरी की, और अपने आप के परिष्कार की, सेल्फ रिफाइनमेंट की एक सतत यात्रा में लगे हुए, एक गलती करते हैं उस गलती को बताते हैं, कैसे उसमें सुधार किया वह भी बताते हैं, फिर कहां पहुंचे यह भी बताते हैं, और फिर यह भी बताते हैं कि अगली यात्रा वह किधर वह जा रहे हैं, क्या उनके पास विकल्प थे और किस विकल्प को छोड़ा और किस विकल्प को चुना। गांधी की जो कार्यशैली है वो किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है, वह हर चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं, सब प्रमाण सारी बातों को आपके सामने रखते। तो कैदी हाजिर है, सारे प्रमाण भी उपलब्ध हैं, और आप जो निर्णय देना चाहते हैं आप दीजिए, आपके हाथ में, खुली किताब है गांधी, वह खुद भी कहते हैं, और आप स्वयं अनुभव करिए। कोई पूर्ण मनुष्य नहीं होता, उनमें भी बहुत सारी कमियां आपको मिलेंगी, लेकिन क्या
उसके आगे जो कुछ उन्होंने अच्छा किया है वह कम हो जाता है क्या? अब आप स्वयं विचार करें, अधिक नहीं। दूसरा सवाल सर लवकुश का था, वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स पर गांधी जी का व्यू, और अभी कैसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने में उनके विचार से कैसे सीख मिल सकती है? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गांधी जी के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, और यदि आप देखें तो कस्तूरबा गांधी का कितना योगदान गांधी के निर्माण में है यह भी समझने की बात है। इस बात को गांधी ने स्वयं स्वीकार किया है। गिरिराज किशोर जी का उपन्यास पूरा आप पढ़िए, वाह, इसका नाम भी, तो आपको उसके बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे जहाँ पर उस महिला की जो भूमिका है वो आपको दिखाई देगी। गांधी को बहुत सारे शक्ति वास है, और उस समय का जो पूरा परिवेश था और महिलाओं की जो उनका प्रशिक्षण था, उनकी पढ़ाई लिखाई का जो अवसर था, और काम करने के जो अवसर हैं, और घर और बाहर में संतुलन किस तरह से किया जाए, इसकी जो समस्याएं थी, उस दृष्टि से निश्चित रूप से हम कहेंगे कि अपेक्षाकृत आज की तुलना में बहुत कम भागीदार, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि धीरे धीरे उस कार्यक्रम में भाग लेती हैं, और गांधी ने इनका समर्थन भी किया है कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है और उनको शामिल होना चाहिए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको समर्थ बनाने की आवश्यकता के ऊपर उन्होंने बल दिया। तो स्त्री शिक्षा और स्त्री को समर्थ बनाने की दिशा में उनके काम महत्वपूर्ण है और उनके विचार भी महत्वपूर्ण है। आज का जो भारतीय समाज है निश्चित रूप से इस चेतना को स्वीकार कर रहा है कि महिलाओं की भूमिका हर काम में होनी चाहिए, चाहे वो राफेल उड़ाने की बात हो या और कहीं भी आप देखें, तो आप पाएंगे कि हम सामाजिक स्तर पर यह प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किस तरह की कठिनाइयां हैं और किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उससे हमारा माथा शर्म से झुक जाता है जब जो चीज खत्म हो रही है और जिसकी ओर गांधी जी ने ध्यान दिलाया था और जो उनके सारे विचारों का सबसे बड़ा आधार है, जिसका उल्लेख संदूष ने नहीं किया, वह है नैतिकता का, कैरेक्टर का, इथिक्स का, कि समाज की रीढ़ है। तो हमारी शिक्षा में जब तक यह चरित्र नहीं आएगा, जब तक नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक हम इस तरह के समाज की कल्पना नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से जिस तरह की भौतिक दृष्टि, जिस तरह की उपभोक्तावाद के दृष्टि के आकर्षण में हम बंध गए हैं, और अधिक से अधिक कैसे संग्रह किया जाए जिसकी ओर हम आकर्षित हो रहे हैं, उसके परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं, उसकी कठिनाइयां भी हमारे सामने आ रही है। आज महामारी के दौर में यह बात बड़ी स्पष्ट हो गई है कि स्थानीय जो है वो महत्वपूर्ण है, सीमित संसाधनों में काम चलाना भी महत्वपूर्ण है, और किस तरह से प्रत्येक देश को अपनी सामर्थ्य के ऊपर विचार करना। वैश्विकता का जो नारा था उसकी सीमाएं भी दिखाई पड़ रही है। मैं समझता हूँ कि गांधी का नारा सारे प्रासंगिक हो गए हैं और महिलाओं की भूमिका हमको उनके लिए स्थान बनाना पड़ेगा। वो जिस दायित्व के अधिकारी हैं वह दायित्व उनको मिलना चाहिए, और जो शक्ति उनको मिलनी चाहिए, जो सामर्थ्य उनको मिलनी चाहिए, उसके लिए यह भी आवश्यक है कि जो पुरुष वर्ग है उनका दृष्टिकोण भी बदले, और यह तब तक नहीं होगा जब तक स्त्री की
पूरी शिक्षा न हो, अभी भी उनको शिक्षा दृष्टि से वो पिछड़े हुए हैं, वो संस्था में जो व्यापक परिवर्तन का हिस्सा है। सर अगला सवाल सौरभ रोहिला का है, ये पूछ रहे हैं कि जो पूछा था सवाल भगत सिंह की फांसी के संबंध में कि राजगुरु और भगत सिंह की फांसी हुई थी, उस पर कोई खास प्रयास नहीं हुए उनको रुकवाने के लिए जो आरोप लगते हैं गांधी जी पर, और दूसरा कि जो दूसरे क्रांतिकारी हैं जो सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, उन सब लोगों के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में ज़्यादा नहीं बताया जाता है, इस पर वो विचार जानना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि स्वतंत्रता का जो संघर्ष था, उस संघर्ष में कई धाराएं थी और उन सब धाराओं का योगदान रहा है, और सबने, चाहे वह गर्म दल हो नरम दल हो, उन सबकी भूमिका रही है, और जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई वह किसी एक तत्व के ही ऊपर अगर हम उसको निर्धारित करते हैं तो यह शायद अपर्याप्त बात है, अधूरी बात है। तो उन सबको आदर मिलना चाहिए और उनका उल्लेख होना चाहिए कि उनका क्या विचार है। एक बात जरूर है जो कि स्पष्ट कर देनी चाहिए कि अलग अलग दृष्टियां तो थी। गांधी जी बार बार इस बात की ओर आगाह करते हैं कि भारत की प्रकृति, भारत के स्वभाव और मनुष्यता की दृष्टि से यह आवश्यक होगा कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलें, अहिंसा के लिए हमको तैयार होना चाहिए, अहिंसक मार्ग का लाभ लेते हुए यदि हम अपना विरोध प्रकट करते हैं, सविनय अवज्ञा, आप देखिए शब्द अवज्ञा भी है और सविनय भी, असहयोग कर रहे हैं, तमाम सारे जो तरीके उन्होंने अपनाए उसका परिणाम हुआ और प्रभाव हुआ। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि 1930 में नमक सत्याग्रह जो शुरू हुआ, नमक छोटी सी चीज है, जीवन के लिए जरूरी चीज है, और उसमें पूरे भारत में लगभग 60,000 लोग अंग्रेजों ने गिरफ्तार किए थे तमाम जगहों पर, हजारों लोग उसमें भाग लिए। तो गांधी का ये प्रखर जो राजनीति में प्रवेश है वह 1930 के आसपास होता है जब इस प्रकार से वह सक्रिय होता है, और वह इस आंदोलन को एक राह दिखाते हैं। इस इतने बड़े समाज को कैसे शामिल किया जाए, यह एक ऐसा विकल्प जिसके साथ सभी जुड़ सकें और प्रभावी रूप से जुड़ सकें और अपनी बात को रख सकें, उसका जो वातावरण बना हुआ है इस अहिंसक विरोध के द्वारा हुआ। तो अहिंसा के पक्षधर थे और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि भगत सिंह के पक्ष में दलीलें उनके पक्ष में नहीं अच्छी तरह से पैरवी की गई और उसका परिणाम तो थोड़ा कठिन है कि निर्णय लेकर क्या कैसे, लेकिन मुझे लगता है कि उनके योगदान की उपेक्षा तो नहीं की जा सकती है। और गांधी अहिंसक थे और अहिंसा की दृष्टि से आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे और अहिंसा की दृष्टि से आंदोलन को आगे बढ़ाया। जिस तरह का रक्तपात हुआ, जिस तरह का जो देश के विभाजन पार्टीशन के समय में जिस तरह की पीड़ा हुई, जितने बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में लोगों की जान सारा कुछ अस्त व्यस्त हुआ, उस परिस्थिति में गांधी की जो भूमिका है वह इस समाज में शांति को कैसे बहाल किया जाए, उस दृष्टि से उन्होंने लगातार काम किया। जब सब लोग जश्न मना रहे थे दिल्ली में तो युवा खाली युवा दुखी
ऐसे लोग जो कि पीड़ित थे उनके आंसू पोंछने के काम में लगे हुए थे, तो अपनी ओर से वो पूरी कोशिश की, उपवास उन्होंने वहां पर किया और उन सबका असर भी जोड़ दिया। अवसर हुआ जब किसी लोगों ने उनके सामने इस बात को स्वीकार किया कि वो हिंसा से अलग हो, यह शक्ति उन्होंने अर्जित की थी, यह क्रेडिबिलिटी या अपनी साख उन्होंने बनाई थी। फिर दिल्ली आए, दिल्ली में दंगे भड़क रहे हैं, उनको कैसे दूर किया गया, इसका प्रयास उन्होंने से उनकी पूरी कोशिश थी कि इस रक्तपात को रोका जाए। तो उनका व्यवहार के स्तर पर, आचरण के स्तर पर अहिंसा के पक्षधर के रूप में सामाजिक सद्भाव स्थापित करने के तमाम तरह के प्रयास के रूप में, मनुष्यता की रक्षा के रूप में, और इसी में वह प्रगति और विकास का सूत्र भी देख रहे थे कि अगर अहिंसा होगी, अगर स्नेह होगा, तभी लोग जुड़ेंगे, तभी लोग काम करेंगे, तभी उत्पादक श्रम होगा, तभी लोग मिलकर के काम करेंगे। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इतना ही पर्याप्त। अगला सवाल सर, हालांकि इसी से जुड़ा हुआ है कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे तो क्यों नहीं उनको रुकवाया, तो मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब मिल गया है, जो अभी बाइनरी एक क्रिएट करने की कोशिश होती है, ऐसा नहीं था। और तो और इसके बाद दूसरा जो सवाल ये पूछ रहे हैं, एक ये सवाल है कि गांधी जी के जीवन में, एक गांधी के स्कॉलर के रूप में, उनके वीकनेस के ऊपर अगर आप कुछ बता सकें, कुछ उनकी क्या कमजोरियां थी। बड़ा कठिन प्रश्न है। गांधी ने स्वयं कई कमजोरियों का जिक्र किया है और लोगों ने भी उसकी ओर संकेत किया है। गांधी कई बार अपने मार्ग से विचलित हुए, वापस उस पर आए, कई बार उनको लगा है कि भगवान ने बचा लिया, तमाम तरह के कष्टों से बचा लिया, गिरावट है उससे बचा लिया। तो मनुष्य में खामियां होती हैं, कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों को स्वीकार करके और फिर उसके अनुसार अपने को बदलने की जो कोशिश है वह देखना ज्यादा जरूरी है। कमियों को तो कई तरह से लोगों ने देखा है और मेरा ख्याल है कि कमियों को आप मानवोचित कमियों के रूप में देखें। उदाहरण के लिए उनका ब्रह्मचर्य को लेकर के लोग काफी चर्चित रहा है कि वह इस तरह से कोशिश कर रहे थे कि सिद्ध करें कि स्वयं उन्होंने बताया कि हमने इस तरह की परीक्षा दी है। अब कौन प्रत्यक्षदर्शी है, कई उनके सहायक जो उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां की, एक तो यह पक्ष है, ध्यान आकर्षित किया है। दूसरा एक पक्ष यह भी है कि उनके साथ कौन से लोग थे, किनके साथ वो थे, किस प्रकार से अपने आयोजन कर रहे थे और किन किन कई लोग यह भी कहते हैं कि बहुत सारे जो ये सब बड़े गंभीर विचार के प्रश्न है कि किसी संगठन को चलाने के लिए और समाज से जुड़ने के लिए और कैसे कोई आयोजन किया जाए, इसके लिए किस तरह से हम लोगों का लाभ उठाते हैं, ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं। मैं अपने को किसी निर्णायक या जज के रूप में नहीं देख पाता
कि मैं यह निश्चय कर पाऊं ये उनकी गलतियां थी, न मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शी ही हूं। और जिस तरह के विवरण हम लोगों को प्राप्त होते हैं उनके अपने लेखन से और जो उनके सहयोगी हुए और जो और मानवोचित गलतियां भी थी, लेकिन एक मनुष्य के रूप में जिस तरह की एक सतत परसिस्टेंट एक प्रयास इस तरह का तो उन्होंने जरूर किया कि जो कह रहे हैं उसको वह कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सब लोग जितना कहते हैं उसका कितना अंश करते हैं। महात्मा की तो परिभाषा ही हुई है कि जो कहे जो मन में रखे और जो करे उन तीनों में एका हो, और बहुत हद तक गांधी में ऐसा पाया गया और इस दृष्टि से वो महात्मा तो है कि वह कर्म में वचन में और मन में एक तारतम्य दिखलाते हैं, सामंजस्य दिखलाते हैं और उनको मनुष्य की चिंता। एक और प्रश्न खड़ा होता है जो आप विचार कर सकते हैं कि प्रायः गांधी यह कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भारत की स्वतंत्रता है या जो देशभक्ति है वह वस्तुतः मानव भक्ति का, मानव चिंता का, मानव स्वतंत्रता का विषय है। तो भारत की स्वतंत्रता जो है वह किसी दूसरे के लिए खतरा नहीं है, वह किसी के विरोध में उसे खड़ा हुआ नहीं करते, वह देशभक्ति और मानव भक्ति में अंतर नहीं करते, वह भारत को मनुष्यता के पक्ष में खड़ा हुआ नहीं है। तो उनके विचारों का जो वितान है वह बहुत व्यापक है। इस तरह का व्यापक स्वरूप जो उपनिषद से भी लेता है, बाइबिल से भी लेता है, कुरान से भी लेता है, भगवत गीता से भी लेता है और इस बात की कोशिश करता है कि उसको आचरण में कैसे उतारा जाए। मैंने कहा ना जो मुन अपनी आत्मकथा का नाम दिया माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो सत्य की तलाश उनके जीवन में तो चलती रही है, निरंतर चलती रही है। यह सत्य के प्रति उनकी जो उत्कट उसके पास पहुंचने की जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, वह प्रकट होती है उनके कार्य में और इस दृष्टि से निश्चित ही वह महनीय व्यक्ति के रूप में। जो अंतिम सवाल है, काफी समय हो गया है इसलिए अंतिम सवाल ले रहे हैं। ये सवाल है कि गांधी जी जो विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ब्रिटिश सेना में भारतीयों की भर्ती की बात कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ अहिंसा की बात करें, तो क्या ये दोनों एक दूसरे का विरोधी नहीं है? मैंने कहा ना कि गांधी जी के विचारों में काफी परिवर्तन आते रहे। जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने पूरी एक सेना का अंग गठित किया था, खुद वो अबोहर युद्ध में भाग लिए थे, तो उनकी दृष्टि में कि ये जो अंग्रेजी राज है उसमें भी कुछ मूल्य हैं और एक दृष्टि से वो ठीक है, राजभक्ति जो है व्यक्ति का एक दायित्व तो होता है, तो यह बोध उनका था। बाद में चल करके जो परिवर्तन आया वो अभी आपके सामने है, तो उनके दृष्टि में परिवर्तन हुआ है उसको इस तरह से जोड़ना ठीक नहीं होगा कि एक और यह कर रहे हैं, एक और उसको समय की दृष्टि से विचार करना, परिवर्तन आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकाल कर और गांधी स्टडी सर्कल के लिए आपने समय निकाला। पिछली बार सेमिनार में आप समय नहीं दे पाए थे क्योंकि व्यस्तता थी, लेकिन इसके पहले भी आपको सुनते रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब भी आपको सुनते हैं तो कई सारी नई चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। आज भी गांधी जी के बारे में तो कई सारे जो पहलू हैं उसको हम लोगों को समझने का मौका मिला और इतने व्यस्त
शेड्यूल होने के बावजूद आप समय निकाल पाए, इसके लिए गांधी स्टडी सर्कल के तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कॉलेज के प्रधानाचार्य हमारे प्रिंसिपल ज्ञानतोष झा सर के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो उनका हमेशा ही सहयोग मिलते रहता है इस तरह के कार्यक्रमों में, और वो हमेशा ही इन चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं अकादमिक जो भी गतिविधियाँ होती है कॉलेज के अंदर। इसके साथ ही सेमिनार कमेटी की संयोजक विनीता तुली जी का, और जो इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए तकनीकी सहयोग के रूप में भी हमारे कुछ शिक्षक साथी मदद करते हैं, जिसमें कि मानवेंद्र जी, रविंदर जी, विकास जी, इन सभी के प्रति भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सेमिनार कमेटी के संयोजक भावनाथ झा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने एक बहुमूल्य समय पर, जब गांधी जी का हम जन्मदिवस मनाने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को, उसके पहले उन्होंने इस परिचर्चा को रखा, इसके लिए उनके प्रति भी धन्यवाद करते हैं। और अंत में जो इस सेमिनार को सुनने वाले जितने भी छात्र छात्राएं इसमें मौजूद थे और जो शिक्षक साथी इसे सुन रहे थे, उन सबके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। उन सबके बिना सहयोग के ये सेमिनार सफल नहीं हो सकता था। इसके साथ ही मैं एक बार फिर से सर का पुनः शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।